पानीपत के सिविल अस्पताल में सुबह बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल की बी ब्लॉक बिल्डिंग के एंट्री गेट के पास बिल्डिंग की फॉल सीलिंग छत अचानक गिर गई। गनीमत रही कि सुबह का वक्त होने के कारण लोगों की भीड़ कम थी, जिससे हादसे के वक्त कोई छत के नीचे नहीं था। दरअसल नवंबर 2018 में करोड़ों की लागत से पानीपत के सामान्य अस्पताल का निर्माण करवाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कर कमलों द्वारा अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन महज 3 साल में ही अस्पताल की छत गिर जाने से कहीं ना कहीं गड़बड़ झोल का अंदेशा है। फिलहाल अस्पताल की यह हालत देखने के बाद अस्पताल स्टाफ और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। हादसे में किसकी लापरवाही है, ये फिलहाल जांच का विषय है। पानीपत से संजीत चौधरी, अर्थ प्रकाश टीवी। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाएं।